हेलो दोस्तों, टेक गौतम में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने आज अपना इन वन स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में उस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको बता देता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन में हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक पंच होल आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्राइस रेंज में सभी ब्रांड्स हमें वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले दे रहे हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स ने तो पंच होल डिस्प्ले दे दिया है, जो कि बहुत ही एक दिखने में अच्छा लगता है और मॉडर्न लगता है। तो डिस्प्ले के मामले में माइक्रोमैक्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक हीलियो G80 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि अच्छा और बहुत ही डिसेंट प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग वगैरह सब कुछ खेल सकते हो, आपको कोई भी लैग वगैरह आप नोटिस नहीं करोगे, और आपका डेली डे टू डे टास्क में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है। और अगर हम कैमरास की बात करें तो हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और हमें सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और साथ ही साथ हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, वो भी बॉक्स में। जो माइक्रोमैक्स ने बैटरी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। और अगर हम कुछ सिक्योरिटीज की बात करें तो इसमें हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की की हाईलाइट के बारे में। जी हाँ, इस फ़ोन में हमें प्योर स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। प्योर स्टॉक एंड्रॉयड। इसमें हमें कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलता, कोई भी बैंड ऐप्स नहीं मिलता है, और इसमें हमें कोई भी फालतू के एड्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस फ़ोन में हमें बिल्कुल प्योर और क्लीन यूआई हमें मिल जाता है। तो माइक्रोमैक्स इसके लिए थम्स अप। और अगर हम कलर्स की बात करें तो ये हमें दो कलर्स में मिल जाता है, एक पर्पल और एक ब्लू। और अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये फ़ोन हमें टोटल दो वेरिएंट्स में मिल जाता है, एक 464 और एक दूसरा 6128। और अगर हम 464 की बात करें तो ये हमें 10,500 की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और अगर हम 6128 की बात करें तो ये हमें 12,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन को अगर आप पहली से फर्स्ट सेल में लेते हो, जो कि मार्च 26 तारीख को है, अगर उस दिन आप लेते हो तो ये फ़ोन हमें ₹500 डिस्काउंट में मिल जाता है दोनों ही वेरिएंट में। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेल में लेते हो तो आपको दोनों ही वेरिएंट बहुत ही अच्छी कीमत में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।